ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है क्लास? हाँ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि कल मैंने एक मैसेज सेंड किया था जिसपे बहुत सारी लंबी चौड़ी डिस्कशन हो गई है सबकी। ठीक है, मैंने वो सारी डिस्कशन पढ़ने की तो जमाने की तो, लेकिन मुझे अंदाजा ज़रूर हो गया कि उसमें बहुत सारे कंसर्न हैं सबके। ठीक है, तो जिसके जो कंसर्न हैं वो पूछ लो। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपको थ्रू आउट मिड टर्म कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। उसके लिए आप अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं या अपना सेलफोन यूज़ करते हैं, इट्स अप टू यू। आप दोनों चीज़ें यू में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस मकसद ये है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम मुझे आप लोगों का को जितना देर में आप एग्ज़ाम करोगे उतनी देर में आप अपनी वीडियो ऑन रखोगे। आप चाहे वो आप मोबाइल के कैमरे से ऑन रखो या आप जो है वो लैपटॉप के कैमरे से ऑन रखो, किसी चीज़ से भी ऑन रखो। ठीक है, पर आपको वीडियो ऑन रखनी पड़ेगी। ये इसीलिए आपको पहले से बता दिया है कि जिनका जो जिस जिस स्टूडेंट का जो भी इशू है, आइदर वो किसी भी चीज़ का इशू है, आपके इंटरनेट का इशू है या सेलफोन। देखो, सेलफोन कैमरा सबके पास है, इस बात पे तो कोई आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकता कि हमारे पास मोबाइल नहीं है और उसमें कैमरा नहीं। ठीक है, तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कि किसी के पास ऐसा मोबाइल ना हो जिसमें कैमरा नहीं है। ठीक है, और सेकेंडली ये कि इंटरनेट, जहाँ तक बात है, तो इंटरनेट वैसे आप जो है वो जाहिर है वाईफाई डिवाइसेस यूज़ कर दो, पहले से इसीलिए बता दिया है कि उसका कोई ना कोई सब्सिट्यूट अपने पास मौजूद रखो। ठीक है, अभी जो है वो चार चार छः छः घंटे किसी के घर पे लाइट नहीं जाती, तो आपके पास वाईफाई कनेक्शन भी होना चाहिए और पैरेलल में आप डेटा कनेक्शन भी रखो ताकि आप जो है वो मैम ना हो आपको। जी, सिद्रा फरमाइए। मैम आप 4-6 घंटे का कह रही हैं, हमारे घर तो 12-12 घंटे नहीं आती। ये रेयर केसेस होते हैं ना, हर वक्त तो ऐसा नहीं होता कि जितने जरूरी नहीं है जिस दिन नहीं एग्जाम है मैम, उसी दिन तक ज्यादातर लाइट चली मेजोरिटी, जाती है। अब मेजोरिटी हमारे ऐसे ही होता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे टेलीफोन केबलिंग हो चार्ज रही है। रखना और डेटा पैकेज करवा के रखना, सिंपल तो ये। मतलब भाई, हम बुक भी नहीं खोल सकते, ना कोई गूगल, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको कैमरा ऑन रखना है, सही है। अब आप लैपटॉप पे जो है वो जाहिर है आपका ओपन बुक पेपर तो है, ये तो ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, तो आप लैपटॉप तो यूज़ करोगे, मुझे लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी दिख रही होगी कि लैपटॉप पे आप क्या कर रहे हो, मुझे तो आपकी शक्ल दिख रही होगी। ठीक है, मुझे आपका फेस देखना है, आपकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। मैं आपकी स्क्रीन शेयर करने को आपको नहीं कह रही, ठीक है, आपकी वीडियो ऑन रखनी है आपको, सही है। मैम हम ना, एक बात है, हमने प्रेजेंट से अप्रूवल लिया हुआ है, हम ना यूनिवर्सिटी आके क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो हम पेपर भी यहीं आके कर सकते हैं ना, आपको कोई इशू तो नहीं होगा? तो आप पेपर वहीं आके करें, बस आप जहां भी बैठे हैं आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। बिकॉज हमारे घर सच में लाइट नहीं होती, इसलिए हम यहीं आते हैं। हाँ ठीक है, सही है। तो आप यूनिवर्सिटी में तो वाईफाई का इशू नहीं होता, ठीक है, यूनिवर्सिटी में आप आके और वहाँ पेपर दें, मुझे कोई इशू नहीं है, बस आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। ठीक है मैम, वो तो हम कर लेंगे। ओके, और किसने क्या बोला? हाँ, मेहनत मजदूरी करके फीस पे करते हैं बेटा, सभी मेहनत मजदूरी करके पे करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये इंतहाई फजूल आर्गुमेंट था, मैं इस पर क्या आपको जो है वो कमेंट करूं। तो एंड इसमें मेहनत मजदूरी की कोई बात ही नहीं है, एंड्रॉइड फोन लेके बैठे वो, उसका कैमरा ऑन करने में कोई इतनी मशक्कत होनी ही नहीं चाहिए, सही, उसमें तुम्हारे कोई पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, और वाईफाई कनेक्शन भी घर पे ऑब्वियसली सबके ही होता है। ठीक है, तो जिस तरह क्लासेस ले रहे हो उसी तरह जो है वो एग्जाम भी दे देना, 4 घंटे की बात होती है। ठीक है, जो जो बंदा जो है वो 1 लाख रुपए फीस पे कर सकता है, ठीक है, तो वो कैमरा भी डेटा कनेक्शन भी अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, और मज़ीद इसमें कोई भी कमेंट है या कोई भी मसाइल है तो जाके जी डायरेक्टर साहब से बात कर लो,
मैसेज में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये मेरा अपना बनाया हुआ रूल नहीं है या किसी टीचर का इंडिविजुअल रूल नहीं है, ये रजिस्ट्रार एंड डायरेक्टर की तरफ से हमारे पास आया है, ठीक है। तो हम आपको इसमें जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को सोल्यूशन बता दिए कि भाई आप डेटा पैकेज करवा लें, आप मोबाइल से कनेक्टेड रहें, ठीक है, अगर आपके लैपटॉप्स में मसाइल हैं या कुछ भी है, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन ना हो ये इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक सही है। मज़ीद कोई भी आर्गूमेंट है, कोई भी मसाइल हैं, तुम्हारे पास डेटा पैकेज करवाने के पैसे नहीं है या मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर खरीदने के पैसे नहीं है, तो जो है वो आप डायरेक्टर साहब से बात कर लें और वो आपको इसका सोल्यूशन फिर बता देंगे, ठीक है। और अगेन एक बात और कहना चाहूँगी कि ग्रुप मैंने आप लोगों की चिट चैट के लिए नहीं बनाया हुआ, ठीक है, कि आप फजूल बातें वहाँ पे डिस्कस करो। अगर फालतू बातें करनी है, आपस में चिट चैट ही करनी है, गॉसिप सी करनी है, तो उसके लिए एक अलग ग्रुप बना लो, ठीक है, और उस पर बैठ के करते रहा करो, सही है। ये ग्रुप मैंने सिर्फ आप लोगों से कम्युनिकेशन के लिए बनाया है कि आपको कोर्स के हवाले से कोई भी इशू हो तो आप वहाँ पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी अनाउंसमेंट में आपस के आप लोगों की बातें सुनने का और पढ़ने का ना मुझे कोई इंटरेस्ट है और ना मेरे पास टाइम है, तो ऑब्वियसली आपके मैसेजेस मेरे पास भी आ सकते हैं। तो आज के बाद से गुरेज कीजिएगा कि आप लोगों को कोई भी फजूल बात करनी हो तो प्राइवेट एक ग्रुप बना के सब मिलके उस पर बैठ के कर लिया करें, ठीक है, क्लियर है। आई डोंट थिंक सो कि अब मजीद इस पे किसी को कोई मसला होना चाहिए। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट द सेशन। अच्छा जी, आज जो दो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, सेंसर्स जी या कंटिन्यू करें, और एज यू कैन सी इन योर लैब आउटलाइन और इन योर कोर्स आउटलाइन, कि आपके पास मज़ीद हमारे पास आगे तीन चार सेंसर्स और हैं जो हमने पढ़ने हैं, उसके बाद हम फिर इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ मूव करेंगे कि हम इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से इंटरफेसिंग करवाते हैं, ठीक है, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट मीटर किस तरीके से काम करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है, सही है। तो फिलहाल आज जो हमारा टॉपिक है, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेन गेज डिस्कस किया था, आज जो हम दो सेंसर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर, ठीक है। पहले बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपके पास एक नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर होता है, ठीक है, जो आपके पास विदाउट टचिंग एनी एलिमेंट आप उसको सेंस करवा रहे हो, तो ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट का मकसद ये है कि आप टच नहीं कर रहे होते सेंसर को किसी चीज़ के साथ, सही है, और आप इसको जो ये सेंसर यूज़ करते हो प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। होता क्या है कि आपके पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर जहाँ भी लगा हुआ होता है, तो अब प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की भी टाइप है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी जहाँ भी सेंसर लगा हुआ होता है, आप देखते हो कि वहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करवा सकते हो, मेटल्स डिटेक्ट करवा सकते हो, ठीक है, लिक्विड डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, और अलग अलग तरह की टाइप्स होती है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दिस टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जो है वो साउंड, लाइट, आईआर रेड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सब के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। पीए सेंसर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, आपने बहुत अब तो बहुत कॉमनली यूज़ होने लगे हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आपके मोबाइल फोन्स में होते हैं, ठीक है, आपके ये जो गेट्स वगैरह होते हैं, वॉक थ्रू गेट्स वगैरह, इधर भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है, कार्स में होते हैं मौजूद प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इस तरीके से और भी बहुत सारी जगह पे ये सेंसर मौजूद होते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, ठीक है, और हर जो टाइप है उसका वर्किंग क्राइटेरिया, वर्किंग प्रिंसिपल अलग अलग है, ज़्यादा वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं, अलग अलग चीज़ों की डिटेक्शन के लिए यूज़ होती हैं, तो ज़्यादा उनका वर्किंग प्रिंसिपल भी डिफरेंट है। मोस्ट कॉमनली जो दो टाइप्स है जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की यूज़ की जाती हैं, वो है इंडक्टिव
और कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है, इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होते हैं, ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। बेसिकली इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपके पास मेटल्स डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से मेटालिक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, होता क्या है कि ये सेंसर्स बने हुए होते हैं इस तरीके से कि इसके बीच इस सेंसर में जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, जब भी कोई मेटल इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है वो फील्ड चेंज होती है, ठीक है। जब भी हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई मेटल को इंसर्ट करते हैं, तो जाहिर है वो फील्ड चेंज होती है, ठीक है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंगली आपके पास क्या होता है, क्योंकि ये इंडक्टिव इन नेचर होता है, तो आपके पास क्या होती है, फील्ड चेंज होने की वजह से आपके पास करंट चेंज होता है, और करंट चेंज होने की वजह से आपके पास इंडक्टर की जो इंडक्शन होती है, सही है, वो चेंज होती है, ठीक है। तो अल्टरनेटली उससे होता क्या है कि आपके पास उस इंडक्टेंस चेंज होने की वजह से, ठीक है, आपके पास वो चेंज इन इंडक्टेंस डिटेक्ट होता है, ठीक है, और उसकी वजह से आपके पास अलार्म जनरेट होता है, या साउंड जो जिस तरीके से भी आप उसका चेंज डिटेक्ट करवाना चाहो, वो चेंज बेसिकली डिटेक्ट होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, सही है, जिसके बीच में अगर हम कोई मेटल इंसर्ट करेंगे तो जाहिर है वो फील्ड डिस्टर्ब होगी, वो फील्ड चेंज होगी, चेंज होने की वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होने की वजह से आपके पास इंडक्टर की इंडक्टेंस चेंज होगी, और इंडक्टर चेंज होने के उस चेंज ऑफ इंडक्टेंस से हमें पता चलेगा, हाँ भाई कुछ चेंजिंग आई है यहाँ पे, और आपके पास जो मेटल है वो डिटेक्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इंडक्टिव प्रॉपर्टीज के काम करती है, सही है। अब ये डिपेंड करता है कि जो आप मेटल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टीज पे कि वो कितना इंडक्टिव है, ठीक है, और कितना स्ट्रॉन्ग मेटल है, और या कितने डिस्टेंस पे आपने उसे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये इसकी मजीद टाइप्स सब टाइप्स भी होती हैं, जिसके लिहाज से इसकी अलग अलग रेंजेस होती हैं, ठीक है। कुछ मेटल्स बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, हर मेटल की अलग प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। कुछ मेटल्स बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सेंसर से तब भी डिटेक्ट हो जाते हैं, कुछ बहुत करीब से डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हर मेटल की प्रॉपर्टीज के लिहाज से इसकी मजीद टाइप जो है वो डिफरेंट होती जाती हैं, और मजीद इसके वेरियंट्स बनते जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ठीक है। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की हम बात कर रहे थे, ठीक है। जबकि आपके जो दूसरी टाइप है वो है आपके पास कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो खाली मेटल डिटेक्शन के लिए यूज़ नहीं होता है, ये मजीद आपके पास ज़्यादातर लिक्विड डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, मतलब लिक्विड्स के लिए, वाटर डिटेक्शन के लिए, या कोई भी अदर लिक्विड हो उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस तरीके से काम कर रहा होता है, बेसिकली इसमें होता ही है कि आपके पास एक प्लेट होती है सेंसर की, ठीक है। कैपेसिटिव में क्या होता है, आपके पास दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, और बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो इस कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर किस तरीके से बना हुआ होता है कि इसके एक प्लेट जो है वो सेंसर होती है, और दूसरा प्लेट जो है वो आपके जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो होता है, ठीक है। और बीच में जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो होता है आपका एयर, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम कैपेसिटर की एक प्लेट के पास आपका ऑब्जेक्ट जाता है, मतलब उसे दूसरी प्लेट सेंस करता है वो, ठीक है, तो होता क्या है कि वो कैपेसिटर की मतलब उसकी कैपेसिटेंस चेंज होने लगती है, ठीक है। जा रहे
उस जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस पे जो भी चार्जेस होंगे उसके लिहाज से उसकी कैपेसिटर में प्लेट्स पे क्या होते हैं, चार्जेस स्टोर हुए होते हैं ना, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मेटल, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें चार्जेस मौजूद हों, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस मौजूद हों, वो इससे डिटेक्ट हो सकता है। होता क्या है, एक प्लेट आपकी सेंसर की होती है, दूसरी आपकी ऑब्जेक्ट की होती है, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस मौजूद हों, जब वो दोनों प्लेट्स जो है वो आमने सामने आती हैं, ठीक है, सेंसर की रेंज में आती है, तो होता क्या है कि इसकी कैपेसिटेंस जनरेट होती है और कैपेसिटेंस चेंज होती है, ठीक है। उस चेंज इन कैपेसिटेंस को डिडक्ट किया जाता है और पता चलता है, हाँ भाई आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिडक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस फिनोमेना पे काम कर रहा होता है कि आपके पास उधर जो है वो आपकी इंडक्टेंस चेंज हो रही थी, ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे आपके पास कैपेसिटेंस चेंज हो रही होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन बोथ प्लेट्स, ठीक है। तो आपके पास ये थे क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से जो हर जो आपके पास ऑब्जेक्ट होता है उसके अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जाहिर है उस पर अपने अलग तरह के चार्जेस होते हैं, ठीक है, अलग पैटर्न में चार्जेस होते हैं, जाहिर है अलग अलग कैपेसिटेंस डिडक्ट होती है। तो उसके लिहाज से फिर डिडक्ट किया जाता है कि हाँ भाई आपके पास मेटल सॉरी आपके पास ऑब्जेक्ट है या नहीं है, सही है। अच्छा, उसके अलावा ये आपके पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर की मजीद जो टाइप्स होती हैं, ठीक है, वो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी होते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर में अब दो टाइप्स होते हैं, एक होती है रिफ्लेक्टिव और एक होता है थ्रू बीम, ठीक है। अब रिफ्रेक्टिव और थ्रू बीम किस तरीके से काम कर रहा होता है, ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, रिफ्लेक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा होता है किस तरीके से, इसकी एक जो है वो समझो लाइट, इसमें से लाइट लाइट इमिट हो रही होती है, ठीक है। जब वो लाइट इमिट होती है और अगर उसके सामने कोई जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, तो लाइट क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो उस पे जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर दें, रिफ्लेक्ट बैक कर दें, ठीक है, तो उस ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है तो आपको पता चल जाता है, हाँ भाई बीच में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आ गया है। पहले आपके पास लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, स्ट्रेट लाइन में पाथ कर स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही थी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जब कोई बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, सही है, जैसे हम देखते हैं बल्ब वगैरह देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम बीच में उसके कोई हाथ रख दें, ठीक है, तो लाइट कट हो जाती है ना, ठीक है। जब लाइट कट होती है वो क्या करेगी, वो उसको रिफ्लेक्ट बैक करने लगेगी, जब वो रिफ्लेक्ट बैक करने लगेगी तो वो डिटेक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई बीच में कोई ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया, ठीक है। इसी तरह जो बीम सेंसर होता है, थ्रू बीम प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो टाइप है, वो किस तरीके से काम करती है कि इसमें से अगेन इसमें से बीम निकल रही होती है, एक ट्रांसमीटर एक तरफ लगा हुआ है, एक तरफ रिसीवर लगा हुआ है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में से एक बीम जा रही है, बीम लाइट, जैसे आप लेजर लाइट की जैसे लाइट होती है ना, ठीक है, आप कंसिडर करो एक ट्रांसमीटर है जिसके थ्रू ये लेजर लाइट की बीम ट्रांसमिट हो रही है, दूसरी तरफ रिसीवर है जहाँ पे ये रिसीव हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट ले आऊँ, सही है, जो आपके पास उस बीम को कट कर दे, ठीक है, बीम को पास होने से रोक दे, तो रिसीवर पे क्या सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ भाई अब आपके पास जो पहले बीम डिडक्ट हो रही थी अब वो बीम डिडक्ट नहीं हो रही, इसका मतलब इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया है। तो इस तरीके से ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस फिनोमेना पे काम करते हैं, एक रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे काम करते हैं और एक थ्रू बीम फिनोमेना पे काम कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा और मजीद भी टाइप है आपके पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर के, मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैं जो मैग्नेट्स को बेसिकली सेंस करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी अलग अलग टाइप्स हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के लिए, और हर सेंसर अलग तरह की चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो आपने प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स देखे हैं अपने गेट दैट आर मेटल डिटेक्टर्स, ठीक है, जो कि आप देखते हो वॉक थ्रू गेट्स वगैरह पे,
शॉपिंग मॉल्स में या मुख्तलिफ जगहों पे एयरपोर्ट्स वगैरह में अवेलेबल होता है, ठीक है, जो आपके पास मेटल्स को बेसिकली डिटेक्ट कर रहा होता है। सही, तो ये प्रोक्सीमेटिक का सेंसर का वर्किंग क्राइटेरिया था कि आपके पास इस तरह से काम कर रहे होते हैं इस फिनोमिना पे। कैपेसिटिव देखा आपने कि वो कैपेसिटेंस पे काम कर रहा होता है। इंडक्टर जो है वो अपनी इंडक्टेंस चेंज कर रहा होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक प्रोक्सिमिटी सेंसर लाइट के फिनोमेना पे काम कर रहे होते हैं कि रिफ्लेक्टिव हो या थ्रू बीम हो, सही है। और उसके बाद आपके पास मैग्नेटिक प्रोक्सिमिटी सेंसर और अल्ट्रासोनिक प्रोक्सिमिटी सेंसर्स भी होते हैं। मैग्नेटिक यूज हो रहे होते हैं मैग्नेट्स को डिटेक्ट करने के लिए, और अल्ट्रासोनिक और भी बहुत सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने, ऑब्जेक्ट डिटेक्टर, एज अ ऑब्जेक्ट डिटेक्टर भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोक्सिमिटी सेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल था और इसकी टाइप्स थी, ठीक है। मजीद इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, कोई फॉर्मूला वगैरह इसका ऐसा कुछ नहीं है, सही है। सिर्फ ये इन्हीं फिनोमिनास पे काम कर रहा होता है, और इसकी मजीद टाइप्स होती हैं, चेंजेस के लिहाज से होती हैं कि आपको किस एप्लीकेशन में किस रेंज का प्रोक्सिमिटी सेंसर रिक्वायर्ड है, सही है। अच्छा, द नेक्स्ट सेंसर इज पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर, सही है। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स क्या होते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, पहले हम इसको थरली देख लेते हैं क्या होता है, फिर मैं इसको ये सारी चीज़ें पढ़ के भी बता देती हूँ। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं प्रेशर डिटेक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एक प्रेशर डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है और एक एक्सेलरेशन के लिए भी, एक्सेलरेशन डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका? वर्किंग प्रिंसिपल ये काम कर रहा होता है आपके पास पीजो इलेक्ट्रिसिटी फिनोमेना पे। पीजो इलेक्ट्रिसिटी फिनोमेना क्या है कि जब भी किसी मटेरियल पे मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अपनी अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। अगेन मैं ये पढ़ के भी बता देती हूँ। वेयर पीजो इलेक्ट्रिक सिटी इज अ फिनोमिना वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इफ मैकेनिकल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ मटेरियल, ठीक है। अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल पे, तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिना क्या है कि अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी चीज़ पे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मटेरियल्स जो हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक करेक्टरिस्टिक्स हों उसमें, ठीक है। हर मटेरियल में ये वाली करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें ये करेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे आपके पास कर्च मटेरियल है, ठीक है, इस तरीके से कुछ आपके पास नेचुरल मटेरियल जैसे हैं जिसके थ्रू पीजो इलेक्ट्रिसिटी फिनोमेना जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। कुछ आपके पास आर्टिफिशियल बनाए हुए भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग मटेरियल्स हैं जिसपे जो है वो स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट पे जनरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यूजुअली जो ये पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है, ये दो चीज़ें जैसे अभी मैंने बताया, दो चीज़ें मेजर करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। एक प्रेशर मेजर करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं इसको, और जो है वो दूसरा एक्सेलरेशन डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का एक है, बस इस पे स्ट्रेस अप्लाई करने का, मतलब फोर्स अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। काम दोनों का एक है कि वो डिडक्ट करके आउटपुट पे इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करेंगे, लेकिन इनका जो है वो फोर्स अप्लाई करने का तरीका इनका अलग अलग है, जिसके थ्रू हम एक में जो है वो प्रेशर को डिडक्ट कर लेते हैं और दूसरे में जो है वो हम एक्सेलरेशन को डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन प्रेशर आपके पास होता क्या है? ओके,
प्रेशर सेंसर किस तरीके से काम कर रहा है, मतलब पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है तो प्रेशर सेंसर किस तरीके से काम कर रहा होता है, क्या हम इसके ऊपर जो जो भी खास मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर जो है वो एक लेयर सी लगाई जाती है जो उसको डिटेक्शन में मदद करती है, ठीक है। हम उसकी उस लेयर के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे पुश करते हैं, ठीक है। जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे प्रेस करते हैं, उसे पुश करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है जिसके नतीजे में वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये बहुत सारी जगह पे यूज होते हैं आजकल पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और इसकी अलग अलग एप्लीकेशन भी हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आजकल एक हमारा SDP ग्रुप है यूनिवर्सिटी में, ठीक है, वो काम कर रहा है टाइल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टाइल एक प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टाइल किस तरीके से बन सकता है, बेसिकली होता क्या है जब हम चल रहे होते हैं, टाइल मतलब ये जो फ्लोर पे टाइल लगे होते हैं, ठीक है। होता क्या है जब हम चल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का ज़्यादा वेट होता है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो भी वेट होता है उसकी वजह से जब हम चल रहे होते हैं तो हम ज़मीन पे क्या हो रही होती है, फोर्स अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। हम ज़मीन पे फोर्स अप्लाई करके चल रहे होते हैं, ठीक है। वो ज़ाहिर है वो फोर्स हमारे पास उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है, और वो फोर्स हमारे पास ज़ाया ही हो रही होती है। उस फोर्स को हम यूज़फुल कैसे बना सकते हैं, उस फोर्स को हम यूज़फुल ऐसे बना सकते हैं कि हम अगर उस ज़मीन के ऊपर, ठीक है, कुछ ऐसा कर दें, सही है, कि अब वो फोर्स हमारे पास सेव हो जाए और वो फोर्स सेव होने के बाद हमारे पास वो एज अ उस फोर्स अप्लाई करने से हम उस फोर्स अप्लाई करने के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा पाएँ, ठीक है। तो ऐसी एप्लीकेशन में पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर यूज़ हो सकता है जहाँ पर आप अगर टाइलिंग में जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल या पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर यूज़ करें, सही है। तो आप क्या होगा जब भी आप चलेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस पर फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स अप्लाई होने के नतीजे में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है, और जाहिर है वो इलेक्ट्रिसिटी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, सही है। तो इसके अलावा लास्ट सेमेस्टर एक और जो है वो एक ग्रुप ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, दैट वॉज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड शू, ठीक है। शू बनाया था बच्चों ने, शूज़ मतलब बनाया था, और उसमें क्या कोशिश की थी उन्होंने, उन्होंने कोशिश की थी कि भाई हम जब अगेन जब हम चल रहे होते हैं तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, वो फोर्स हमारे शूज़ में भी लग रही होती है, और वही फोर्स है वो अल्टीमेटली ज़मीन पे भी लग रही होती है, ठीक है। तो जो शूज़ मेरे पास फोर्स जो फोर्स मेरे पास शूज़ पे लग रही है, सही है, वो वेस्टेज है, सही है। मैं चल रही हूँ, मेरे पैरों पे वजन आ रहा है, मेरे जूतों पे वजन आ रहा है, लेकिन वो यूजलेस है, उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अगर उसी फोर्स को उसी स्ट्रेस को हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लें तो जाहिर है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है और हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी चीज़ में। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप ये मैं जो ये प्रोजेक्ट डिस्कस कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बस आप एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया उसके नीचे टाइल के नीचे लगाया और जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जाहिर है इसकी अपनी सर्किट्री होती है, अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं और अपनी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये जो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर आउटपुट जनरेट कर रहा है वो कोई मतलब बहुत अच्छा वोल्टेजेस हो ले या हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस आ रही हो आपके पास, ठीक है, आउटपुट पे, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। आपके पास समटाइम्स बहुत मिली वोल्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, और बहुत कम जो है वो वोल्टेजेस और बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, जो हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, ज़ाहिर है हमें उसके आगे मजीद सर्किटरी और प्रोटेक्शन सिस्टम्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन दैट वाज द बेसिक आइडिया कि इस तरीके से ये पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर जो है वो यूज़ किया जाता है और यूज़ हो भी रहा है बहुत सारी जगह पे, ठीक है। अच्छा एक्सलूम एज
एक्सेलरेशन मेजरमेंट के लिए कब यूज़ होती है? होता क्या है कि हम इस पे जो है वो एक मास अटैच करते हैं, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर के साथ, और उस पे फिर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम मास के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली वो जो है वो क्या करेगा, वो मूव करेगा, ठीक है, आप पोजीशन चेंज करेगा, पोजीशन चेंज करने के नतीजे में क्या होगा, आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग क्राइटेरिया क्या है, कि ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे काम कर रहा होता है, ठीक है। क्या होती है न्यूटन सेकेंड की इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अगर मेरे पास मास मौजूद है और मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मेरे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन डिटेक्शन के लिए भी काम कर रहा होता है, होता है ये पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर, ठीक है। और आउटपुट पर अल्टीमेटली आपके पास क्या हो रहा होता है, वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसके अपनी इंटरनल स्पेसिफिकेशन क्या है। दी सेंसर्स कंटेन अ इम्पीडेंस वैल्यू लेस देन 500 ओम, इनकी इम्पीडेंस वैल्यू लेस देन 500 ओम होती है, ठीक है। हम इसको किस टेम्परेचर रेंज में यूज़ कर सकते हैं, -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा या इससे कम टेम्परेचर पे ये सही का आउटपुट आपको नहीं देगा, ठीक है। इस सेंसर को हमें मतलब रखना भी एक स्पेसिफिक रेंज में, टेम्परेचर रेंज में चाहिए। अगर हम बिल्कुल इसको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में रख देंगे या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे सेंसर को प्लेस कर देंगे तो इसकी अपनी आउटपुट बिल्कुल सही नहीं आएगा और ये आउटपुट अपना चेंज करने लगेगा, ठीक है, एक्यूरेट आउटपुट नहीं देगा। सही, अच्छा, इसमें जो है स्ट्रेन सेंसिटिविटी और इसकी सेंसिटिविटी कितनी है, 5 वोल्ट पर माइक्रो एप्सिलॉन ड्यू टू इट्स हाई फ्रिक्वेंसी कर्व। अच्छा जी, हाई फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कर्व्स मटेरियल ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इसमें, ठीक है। जो मैं कह रही थी ना कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, तो बेसिकली कर्व्स मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर की कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। एप्लीकेशन इसकी बहुत सारी है पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स की। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स आर यूज फॉर शॉक डिटेक्शन, ठीक है। आपके पास जहाँ पे मतलब कोई ऐसा हो जहाँ पे एकदम से कोई हाई शॉक आ जाए, ठीक है, या जैसे बिल्डिंग्स वगैरह में हम नोटिस करते हैं ये कि हम भाई अगर प्रेशर पड़ रहा है उस जगह पे, मौजूद जगह पे जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह को गिरा देता है या ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पे यूज़ होता है, टनल्स वगैरह में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सही है। एक्टिव पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर यूज़ फॉर थिकनेस गेज और फ्लो सेंसर्स के लिए भी यूज़ होता है। पैसिव कहाँ यूज़ होते हैं, माइक्रोफोन्स और आपके पास एक्सेलेरोमीटर्स वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है। पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर्स आर आल्सो यूज फॉर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। दी सेंसर आर यूज टू ऑप्टिक मेजरमेंट, माइक्रो मूविंग मेजरमेंट, इलेक्ट्रो एकॉस्टिक, ठीक है। इस तरीके से इसकी बेइंतहा एप्लीकेशन है जिसमें इसको पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर को यूज़ किया जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल सिर्फ छोटा सा है, आसान सी बात है कि फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आउटपुट पे आपके पास कुछ मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आउटपुट पे आपके पास वोल्टेज जनरेट करें, ठीक है। रिगार्डलेस कि उस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, हमें इस बात पे बिल्कुल भी हम फोकस नहीं कर रहे, सही है, कि उस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि वो बहुत मिली वोल्ट में होती है। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप देखोगे कि हमें इसके साथ एम्पलीफायर्स वगैरह डिज़ाइन करने पड़ते हैं, क्योंकि जो इसकी अपनी जो आउटपुट वोल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत मिली वोल्ट्स होते हैं, जो हमारे लिए मिली या माइक्रो वोल्ट्स भी होते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशन में हमें पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स को जो है वो इन सीरीज यूज़ करना पड़ता है, मतलब बहुत सारे पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स यूज़ करते हैं टू फाइंड द सफिशेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेजेस एट द आउटपुट, ठीक है।
तो बेसिकली ये दो सेंसर्स थे जो आपके आज के टॉपिक का पार्ट थे, एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर था और एक पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर था, ठीक है। दोनों प्योरली 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 थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, ठीक है। सिर्फ आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझना आना चाहिए कि ये काम किस वर्किंग प्रिंसिपल पे कर रहा है, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ ये किस किस टाइप के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। और इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें सिर्फ याद रखोगे, ठीक है। कोई इसमें फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, सिर्फ मटेरियल की डिस्कशन दी गई है कि आपके पास किस तरीके से अलग अलग मटेरियल्स हैं और किस तरीके से आपके पास अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। टू समराइज सिंपल, प्रॉक्सिमिटी सेंसर किसके लिए यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। और आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर किसके लिए यूज़ होता है, आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर आप यूज़ करते हैं प्रेशर डिटेक्शन के लिए या एक्सीलरेशन डिटेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? एनीवन एल्स? आई विल अशद मैं कर दूंगी। ओके, एक बात और, मैं शायद लास्ट लैब में कुछ बच्चों लैब से चले गए थे। नहीं, इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक असाइनमेंट दूंगी अबीरा। ओके, लास्ट टाइम कुछ बच्चे लैब से चले गए थे तो मैं शायद अनाउंस करना भूल गई थी। इस संडे जब आप लैब में आओगे तो पहली बात तो ये कि लैब नंबर 6 और लैब नंबर 7 का मैनुअल आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मैं उसको वहीं पे हैंड टू हैंड चेक करूँगी आपके पास उसी वक्त, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपके पास उस पर जो भी ग्राफ वगैरह बनने हैं सब आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप मुझे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस बताएंगे, आपने जितना भी काम किया आप उसकी वीडियो बना के मुझे दिखाएं या आप सामान ला के मुझे दिखाएं, जितना आपने आपने प्रोजेक्ट पे काम किया है अपना प्रोजेक्ट का स्टेटस और वो मुझे बताएंगे, ठीक है। कि आपने अभी तक इस उस प्रोजेक्ट पे जो आपने सिलेक्ट किया प्रोजेक्ट उस पे आप कितना काम कर चुके हो, ठीक है। तो संडे को आपने ये दोनों चीज़ें लाजमी करनी है। पहली बात मुझे जो है वो मैनुअल्स सबमिट करवाना है, लैब 6 और 7 का मैनुअल सबको प्रिंट करवाना है फ्रॉम लैब नंबर 1 टू लैब नंबर 13, पूरी जैसे बुकलेट बनती है उसी तरीके से, ठीक है। उसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं सैटरडे भी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होंगी, मुझसे आके अगर कोई काम हो तो वहाँ पे मिल लेना। मुझे थोड़ी देर एक मीटिंग है, उसके बाद मैं फ्री होंगी तो आप आके उससे मिल सकते हैं अगर आप सैटरडे को भी मिलना चाहें तो, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने का ऑब्वियसली फ़ायदा नहीं है क्योंकि ख़त्म नहीं हो पाएगा। कल की क्लास में फिर हम हॉल इफेक्ट सेंसर स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हॉल इफेक्ट सेंसर काम करता है, ठीक है, और इसका वर्किंग क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली कल तो क्लास नहीं है, मैं फ्राइडे को ही क्लास लूँगी, सही है। तो फ्राइडे को इंशाल्लाह हम फिर डिस्कस करेंगे वही टाइम जो हमने डिसाइड किया था, आई थिंक दैट वाज 10:40, राइट? 10:40 था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मैम सेशन फ्राइडे को लूँगी और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़।